सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो टेक ए कॉल, यानी कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यानी कि फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं जो है ना चना फूलने देता हूँ तो मतलब पूरा नहीं फूलता है, मानिए कि दोस्तों इसी साल का मतलब कि खेत का उपजा हुआ मतलब चना है उसको फूलने देते हैं पानी में, तो मतलब कि शाम में ही दे देते हैं जल्दी ही, लेकिन उसमें से आधा मतलब कि आधा से यानी कि दोस्तों ज़्यादा फूल जाता है और थोड़ा मतलब कि नहीं फूलता है, यानी कि दोस्तों मान के चलो तो आधा चना फूलता ही नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं क्यों नहीं फूलता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइज, यही बोतल है, इसी में दोस्तों हम चना को फूलने के लिए यानी कि दोस्तों रोज़ देते हैं, इसी में पानी अभी इसमें भरा हुआ है और इधर में देख लीजिए पूरा फूला हुआ चना, आप देख सकते हैं ये मतलब पूरा फूल गया, इसमें एक भी बिना फूला हुआ नहीं है जी दोस्तों। इसको रात में फूलने के लिए दिए थे और इधर में देख लीजिए इसको हम छांट के रखे हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला देख लीजिए चना, ये फूल भी नहीं किया, इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं एक दो को फूला वूला हुआ है, हम छांट के जितना फूला था उसको छांट के बगल किए और जो नहीं फूला था उसको अलग में रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फूलने के लिए क्यों देता हूँ चलिए वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने इधर में थाली दिखे ले लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा मूरी है क्योंकि दोस्तों नाश्ता भर पेटा नहीं होता, यानी कि दोस्तों ज़्यादा नहीं करना चाहिए नाश्ता का, यानी कि नाश्ता का मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब कि खाना चाहिए जी दोस्तों, क्योंकि कुछ देर बाद घर में खाना बन जाएगा तो वो भी दोस्तों खाना है जी दोस्तों, क्योंकि अगर फिर वो नहीं खाएगा तो वो फिर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नाश्ता थोड़ा सा कर रहे हैं। चना देखिए हम इसमें डाल दिए हैं मुरही में और इसमें नमक भी डालना ज़रूरी है, तो नमक निकाल लिए हैं आप देख सकते हैं, ये वाला हम गोड्डा मेला में लिए हैं नमक रखने वाला, आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े होटलों में भी इसको मतलब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिए तीन छेदा है, एक बड़ा वाला हो गया उधर में देख लीजिए और इधर छोटा वाला में देख लीजिए पाँच गो है छेदा और भी है, देखिए दोस्तों इधर तीन गो है, मतलब कि तीन साइज का इसमें छेदा दिया गया है नमक डालने के लिए। तो दोस्तों आप इसमें नमक भर के रख लीजिए और जब मर्जी हो तब आप नमक यहाँ से ले सकते हैं आराम आसान से, मतलब कि आराम से ले सकते हैं और खाने में उपयोग ला सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली देखिए चना में डाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा सा नहीं डालेगा तो चना और मुरी खाने में मज़ा ही नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों नाश्ता का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नमक नीचे में थोड़ा सा गिर गया है, चलिए इसको मिलाते हैं, मिला के खाते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सुबह सुबह चना का नाश्ता करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। तो दोस्तों फाइनली मिल चुका है, अब चलिए अब खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो दोस्तों फाइनली हम यह फक्का ले लिए, आप देख सकते हैं खाने में मस्त लग रहा है क्योंकि दोस्तों इसमें नमक मिला है, अगर इसमें काला नमक जिसको हम बोलते हैं अगर वो अगर मिलाते हैं ना थोड़ा और टेस्टी रहता, और डालमोट जिसको बोलते हैं उसको अगर जो मिक्सचर को मिलाते तो और थोड़ा सा टेस्ट लगता, लेकिन हम नहीं मिलाए हैं जी दोस्तों, प्रत्येक दिन नाश्ता यही करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।